गुड इवनिंग। हिस्ट्री की क्लास में सभी के स्वागत है। आज हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसकी जीवनी पढ़ ली भाई? एमबीटी की पढ़ ली। देख लिए उसे क्यों पागल कहा जाता था। आज उसी के चचेरे भाई के बारे में जिक्र करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उसके कुछ जनहित कार्य थे उसे देखेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये जितने लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, ठीक है। इन सभी लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें, जिसे आपको परीक्षा प्लस ऐप से लेना होगा, जो 499 रुपये में है और 3 महीने तक वैलिड रहेगा। तो सभी लोग इस सेशन को जो क्या करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है आपके हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका कब वो हो, तो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पीसीएस में कि आपका मॉडर्न से ज़्यादा आता है क्वेश्चन 10 से 12, और मेडिवल और आपका एंशियंट मिला के 50% कवर करता है। तो अब इसमें से किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन कर दे, किससे नहीं, 2019 में देख ही रहे थे 9 कुछ क्वेश्चन आए थे, एंशियंट को कम कर दिया था। हो सकता है कभी इससे ज़्यादा कर दे, कभी एंशियंट से कम कर दे, तो वह डिपेंड करता है आयोग पर, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आपको उठा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। तो हुआ क्या था कि जब मैंने बताया था कि एमबीटी की डेथ कैसे हुई 1351 में, जब वो अपना लास्ट अभियान किया, सिंध पर गया आक्रमण करने, वहीं पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो सेना में थोड़ा जो है, जब राजा और सुल्तान मर जाएगा तो सेना का मनोबल डाउन हो जाएगा। जब सेना का मनोबल डाउन हो जाता है तो जो वहाँ के मेन जो धर्मगुरु जो लोग थे वो सोचते हैं कि भैया सेना को नियंत्रण करने के लिए किसी को ना किसी को सुल्तान बनाना पड़ेगा। तो उसी समय जो है किसी पोस्ट पे आपका उसका भाई चचेरा भाई रहता है फिरोज शाह तुगलक, और कहा भी जाता है कि अगर एमबीटी के बाद कोई अगर सुल्तान बनेगा भी तो फिरोज शाह तुगलक ही बनेगा, क्योंकि उसके काम जो है एमबीटी के टाइम में जो है वो कुछ अच्छे थे। उसने जो जब ये एमबीटी आपका दिल्ली से कहाँ चलाता है, दौलताबाद चलाता है, तो दिल्ली को एक तरह से कंट्रोल जो करता है इसका भाई ही करता है, ठीक, कि वहाँ पे अराजकता ना फैले। तो इसी वजह से इसे जो है सुल्तान चुना जाता है, और इसका राज्याभिषेक जो होता है, कहा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए फिरोज शाह के इनके डिटेल के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या था इनका, उसके बाद से एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो इनका जो समय काल था कब से था, 1351 से लेकर 1388 तक था, ठीक है। इसके बाद से आपके जो है इनके मरने के बाद जो है क्या होता है, कई राजा आते हैं, उसमें से फिर तैमूर का 1398 में आक्रमण होता है, और उसके बाद से ही तुगलक वंश का क्या होता है, पतन हो जाता है और सैयद वंश की स्थापना की जाती है। तो इनके जो मूल नाम था, अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछता है मूल नाम से रिलेटेड, चाहे ये पूछता है कि कमलाउद्दीन फिरोज किसका नाम था, तो फिरोज शाह तुगलक का ही नाम था। इनकी उपाधि क्या थी उसके बारे में देख लो, उपाधि ये थी इनकी कि सैयद उस सलातीन खलीफा का नाइब की उपाधि इसने लिया था। क्या? सैयद उस सलातीन खलीफा का नायब का उपाधि इन्होंने लिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1309 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये हिंदू थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो माता थी वो दीपालपुर की राजकुमारी थी, ठीक है। कौन सी हिंदू राजकुमारी थी, जिनका नाम था बीबी जजैला, ठीक है, जिनका नाम था बीबी जजैला। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इनके पिताजी का क्या नाम था, तो रजबा नाम था इनका पिताजी का, ठीक है, याद रख लेना। और फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी वो उनके जो पिताश्री का नाम था, वो एक पंजाब का जगह है जहाँ अबोहर पंजाब में एक जगह है, वहाँ के जो राजा थे सरदार थे, क्या नाम था उनका, रणमल या राजामल, ये दोनों मिलेगा, उनकी ये पुत्री थी, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए जो इनको जो मुस्लिम आपके धर्म गुरु थे जब इन्हें सुल्तान बनाए थे तो असमंजस की स्थिति में थे कि कहीं ये इस्लाम धर्म को खतरे में न डाल दे, क्योंकि इसकी जो माता थी कौन थी, हिंदू थी, ठीक है। मगर बाद में इसके जो कुछ कार्य किए गए उससे क्या हुए, जो मुस्लिम धर्म गुरु थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए, ठीक। तो ये कहा जाता है इनका जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। कौन कब हुआ था, एक 22 मार्च 1351 में थट्टा सिंध में हुआ था, ठीक। और दूसरा जब राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, ये 1351 होगा, ये 1351 आपका अगस्त में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। इसके पीछे ये कहानी है कि जब एमबीटी लास्ट अभियान में जाता है 1351 में सिंध पर,
उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है सेना का मनोबल डाउन हो जाता है। तो जो आपके धर्मगुरु होते हैं वो सोचते हैं कि भैया ऐसे कैसे होगा, सेना का मनोबल डाउन हो रहा है तो किसी ना किसी को राजा नियुक्त करना पड़ेगा। तो मतलब फिरोज शाह तुगलक का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए वो एमबीटी के टाइम में बहुत सही था, इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि इससे बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता है। तो इसे क्या करते हैं, इसका राज्याभिषेक कर देते हैं वहीं पे। ठीक, जैसे वहां राज्याभिषेक हो जाता है और दिल्ली में उसका एक चहेता रहता है एमबीटी का, उसे पता चल जाता है, तो वो क्या करता है किसी एक लड़के को पकड़ के दिल्ली में कहता है कि एमबीटी का वारिस है, उसे सुल्तान घोषित कर देता है। तो फिरोज शाह तुगलक फिर से उन मुस्लिम जो आपके धर्मगुरु होते हैं उनसे मिलता है, कहाँ पे, लाहौर में जाके, कि ऐसी ऐसी समस्या उसने कर दिया है। तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो धर्मगुरु हैं बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्यालात में तो ऐसा कोई नहीं है कि एमबीटी का कोई पुत्र भी था। ठीक, तो फिर जब ये अगस्त में वापस आते हैं 1351 में, कहाँ, दिल्ली आते हैं, तो उसे कहते हैं जो उनका एमबीटी का दोस्त होता है, वो जान जाता है कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है क्योंकि उसके झूठ जो है पकड़ा जाता है। ठीक, तो वो इनसे कहता है कि सुल्तान मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक और मौका दो। ठीक, तो सुल्तान कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मगर कभी तुम दिल्ली के आस पर मंडराता ना फिर ना, तुम यहाँ से कहीं चले जाओ, एकांतवास ले लो। और वही एकांतवास लेने के चक्कर में कहीं पंजाब के साइड में जाता है, वहीं के पंजाब के जो सरदार होते कहा जाता है उनको घेर के क्या कर देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में रहा पूरा डिटेल इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक हैं थोड़ा, और जैसे ये गद्दी पर बैठता है भैया, तो इन्हें जो है सबसे बड़ा काम एक करना होता है कि जो रुष्ट होते हैं एमबीटी से, कौन, धर्मगुरु, क्योंकि धर्मगुरुओं को ज्यादा भाव नहीं देता था क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है, उलेमा वर्ग कहा जाता है इन लोगों को जो धर्मगुरु होते हैं, इनका एक संगठन होता है, तो उनको ज्यादा भाव नहीं देता था, ये असंतुष्ट रहते थे। उसको संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक भी जानता था कहीं ना कहीं ये जो धर्मगुरु हैं मेरे ऊपर भी संदेह कर रहे हैं कि मैं एक हिंदू जो है राजकुमारी का बेटा हूं, इस वजह से कहीं ये इनके मन में असमंजस है कि ये पूरा का पूरा राज डुबो मत दे। इस वजह से क्या करता है उसने कि पहले बैठते ही गद्दी पर दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली का जो सल्तनत चलाने की व्यवस्था है, उसे कहता है कि शरीयत के हिसाब से यहाँ कानून चलेगा। अब भैया ये शरीयत क्या है, शरीयत ये है, ये इस्लाम धर्म का एक कानून व्यवस्था है कि किसी राज्य को संचालन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती, क्या उनके कानून है, क्या नियम है, उस हिसाब से ये इस्लाम राज्य की तरह, एक तरह से कह सकते हो कि इस्लाम राज्य जैसे चलते थे उसी तरह से ये दिल्ली सल्तनत का राज्य भी क्या हुआ, शरीयत के बेसिस पे चलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही शुरू किया तो जो इनके धर्मगुरु थे वो प्रसन्न हुए, अरे भाई ये तो हमारे मन की बात जो है कर दिया इसने, तो मतलब जो हम सोचते थे जो एमबीटी नहीं कर पाया वो इसने कर लिया, इसलिए उससे वो प्रसन्न हो गए। ठीक, तो इनके मन में जो संदेह था वो धीरे धीरे हटने लगा फिरोज शाह के तुगलक के हिसाब से। और इसने पहले ही बैठते ही गद्दी पर पहला काम ये किया कि जो भी कर व्यवस्था थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, उसे क्या किया, एक तरह से शरीयत के हिसाब से, शरीयत में सिर्फ लिखा गया था कि चार टाइप के कर जो है आपके जनता से वसूले जाएंगे, तो इसने सिर्फ चार टाइप के कर वसूले, बाकी कहा जाता है कि 24 प्रकार के करों को इसने माफ कर दिया, मतलब हटा दिया। ठीक है, तो यही आपका है चार, जो शरीयत के हिसाब से चार कर हैं वो कौन कौन से हैं, खराज है, मैंने इसके बारे में आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में बताया था कि खराज जो है कर लगाया था उसने, खराज कर लगा, इसमें क्या होता है कि आपकी जो उपज होती है ये आपका वैरी करता है, 25% से लेके 50% तक उपज का ये लोग लेते थे, वो डिपेंड करता था किसकी, किसका राज्य है किसका नहीं है। फिर ये जजिया कर आ गया, जजिया कर के बारे में है, ये किसके बारे में है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जो मुसलमान नहीं होते थे, जो हिंदू होते थे, और इसमें क्या किसे किसे छोड़ दिया गया था, इसमें बूढ़े को, ठीक है, ब्राह्मणों को, बच्चों को, आपके जो विकलांग लोग थे, स्त्रियों को, ये जजिया कर इससे नहीं लिया जाता था। और इसके बारे में मैंने बताया था, जजिया सबसे पहले किसने शुरू किया था, जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वहां के लोगों को कहा था या तो इस्लाम अपना लो या भैया जजिया टैक्स दे दो मुझे, तो जजिया टैक्स वहीं पे उसने पहली बार लागू किया था। और यहां से जब क्वेश्चन बनता है आपका तो यही बनता है कि पहली दफा इसे लागू कौन किया, और जजिया को ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन सा सुल्तान था भैया। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन बनता है एफ जो फिरोज शाह तुगलक से ही, तो जजिया को एक तरह से ब्राह्मणों पे लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। तो यहां से क्वेश्चन नोट आउट कर लो, ये आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है,
उसके बाद से इससे एक लास्ट में आपसे पूछेगा कि जजिया पर बैन कौन कर दिया, अकबर ने कर दिया, उसके बाद से फिर से इसको रीइम्पोज कौन किया तो औरंगजेब ने किया, फिर इसे बैन कौन किया तो रंगीला ने किया। तो ये सब है, लगता रहता है, डिपेंड करता है, हर सुल्तान पे डिपेंड करता है। उसके बाद से एक खम्सकर होता था, इसके बारे में मैंने बताया था। इल्तुतमिश ने खम्सकर का जो रेशियो रखा था वो अलग था, जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उस रेशियो को पलट दिया, मैक्सिमम पार्ट अपने पास रखने लगा। और जो ये खम्स क्या होता था, लूटे हुए जिस राज्य को लूटते थे वो लोग, वहां से जो धन दौलत प्राप्त होती थी तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है अलाउद्दीन के टाइम से राजा के राजस्व में जाता था, बाकी बाकी जितने लोग सहायता करते थे उनमें वो डिवाइड कर दिया जाता था। ये खम्स कम हो गया। जकात के बारे में बात करें तो जकात के बारे में भी यही सेम कर, ये क्या होता है, ये मुसलमानों पे लगाया जाता था, वो भी किस पे, जो आपके अमीर मुसलमान होते थे उन पे 2.5% उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसका 2.5% इनको टैक्स देना होता था। ठीक, तो ये कर के बारे में हो गया। ये कहा जाता है कि चार ये शरीयत के हिसाब से लगाया, मगर इसने एक पांचवा कर भी लगाया था। वो पांचवा कर क्या था, हक ए सर्व, कहीं कहीं आपको हक ए सर्व मिलेगा, ये हक ए सर्व कर है। इसका मतलब ये कर जो था वो किस पे लगाया था, सिंचाई पे कर लगाया था। मतलब क्योंकि ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने नहरों का निर्माण करा, नहरों का निर्माण डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है नहरों का निर्माण शुरुआत में सर्वप्रथम किसने किया तो कौन था, गैसुद्दीन तुगलक था, उसी ने नींव रखी थी नहरों की। मगर नहरों के निर्माण का एक तरह से बोला जाए नेटवर्क किसने फैलाया, तो किसने फैलाया, फिरोज शाह तुगलक ने फैलाया। ये याद रखना, ये क्वेश्चन तो वेरी करता है कि पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, देखा था कि जब रमन सर की क्लास हो रही थी तो आप लोगों को जो क्वेश्चन ये पूछा गया तो आप लोगों ने कितने लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक का नाम लिया, उसमें अगर पूछे कि कैनाल का निर्माण किसने कराया तब गयासुद्दीन तुगलक का नाम लेना है आपको। जब आप नेटवर्क की बात आ जाए, ठीक है, कि नेटवर्क कैनाल का, कई कैनाल का निर्माण किसने किया, तो ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इसीलिए इसने क्या किया, भूमि की सिंचाई के लिए एक कर लगा दिया जिसका नाम क्या था, हक ए सर्व कर था। ठीक है, इसे याद रखना, इसने ये नया कर जो है लागू किया था जो क्या था, उपज का 1/10 हिस्सा था। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसी ने सर्वप्रथम क्या किया, अब पूरे अपने सुल्तान का सल्तनत काल में ये राज्य का ब्यौरा, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि पर एनम इनकम राज्य में कितना होता है उसको इसने समझने के लिए, मतलब एक तरह से प्राप्त करने के लिए, भैया कहां से कैसे इनकम हमें हमारे राज्य की आती है, उसके लिए इसने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम था हिसामुद्दीन। ठीक है, उसे कहा भैया तुम क्या करो, पूरा मेरा राज्य भ्रमण करो और ये पता लगाओ कि भैया कहां कहां से राज्य के इनकम आते हैं और कितना आते हैं। तो ये बंदा क्या किया, 6 साल तक भ्रमण किया उसके राज्य का, और 6 साल भ्रमण करने के बाद इसने एक एस्टिमेट निकाला, बोला कि भैया राजा साहब 6.75 करोड़ टका, बोल क्या है, 6.75 करोड़ टका जो है आपका पर एनम जो है क्या होता है, इनकम होती है आपके राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान था जो अपने आय का ब्यौरा तैयार करवाया था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, याद रखना यहां से। और एक चीज और, इसने एक और जो है टर्मिनोलॉजी निकाला था, तरकात। तरकात क्या था, तरकात ये था कि जब भी कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति एक तरह से कह सकते हो उसका वारिस ना हो, कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो वो क्या करता था, राजा के अधीन हो जाता था। जब राजा के अधीन हो जाता था तो उसे तरकात, तरकात का नाम देते थे। मतलब कि अगर मान लो कोई संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी उसका लड़का भी नहीं है, उसका दामाद भी नहीं, उसका गुलाम भी नहीं है, तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक क्या होती थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाती थी। इन द सेंस कह सकते हो कि गवर्नमेंट मतलब फिरोज शाह तुगलक के कब्जे में हो जाती थी, और उसी को नाम दे दिया फिरोज शाह ने तरकात संपत्ति। तो आपसे पूछता है अगर क्वेश्चन में कि तरकात संपत्ति किसे कहते हैं, आप ऑप्शन में देख के उसे टिक मार सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब भाई फिरोज शाह तुगलक जब राजा बना तो समस्या का सामना तो इसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कौन था, इसका भाई एमबीटी जो पागल था एक तरह से, सिर्फ अपने मन की सनक उसे सवार थी, जो चाहता था वही करता था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो डिफरेंट टाइप की जो डिफिकल्टी इसको फेस करनी पड़ी, पहली तो एक तो राजस्व सबसे कमजोर हो गया था। ठीक, क्यों, क्योंकि वो उसके जो काम थे एमबीटी के दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली,
ठीक, उसके बाद से इसका जो खुरासन सैन्य इतना बड़ा 1 लाख लोगों की भर्ती कर लिया, उनको 1 साल का आगामी सैलरी दे दिया, ये सब होने से क्या होगा? उसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई, फिर बाद में उसे बदल के फिर क्या है चांदी के सिक्के दिए, इस वजह से उसका राजस्व जो है कमजोर हो गया। और साथ ही साथ एक मैंने आपसे बताया कौन सा उलेमा वर्ग जो था वो क्या हुआ, उसके कंट्रोल में नहीं थे, उलेमा वर्ग उससे काफी निराश थे क्योंकि वो उनकी बातें सुनता ही नहीं था। ये कौन थे? ये धर्मगुरु थे। अमीर वर्ग वाले भी इनके जो है क्या जो वंशानुगत पोस्ट थी उसे हटा दिया, इसने टैलेंट के बल पे पोस्ट कर दिया था कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होगा उसी को पोस्ट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वंशानुगत कोई पोस्ट है वह चलता आया है बाप दादा के जमाने से, तो वो भाई आपको मिलता रहेगा चाहे वो आप उसके काबिल हो या नहीं हो। इस वजह से अमीर लोग उससे क्या हो गए थे, खफा हो गए थे। सैन्य वर्ग मैंने बताया ही था कि 1 लाख को भर्ती किया, फिर बाद में जब उसका काम नहीं बना, खुरासन अभियान नहीं किया, तो उसने क्या किया, सैनिकों को हटा दिया, तो सैनिकों में अराजकता फैल गई थी। इन सबको शांत करने के लिए कैसे वो कदम उठा था और कौन सा था? किसान का विद्रोह तो था ही, किसानों पर क्या किया, दोआब का क्षेत्र में मैंने बताया उसने क्या किया था, 50% टैक्स लगा दिया, वो देने में असमर्थ हो गए। उसी समय आपका क्या फैल गया था, अकाल आ गया था, तो वो कहां से दे पाएंगे? उनको ऋण दिया गया था कि भैया आप किसानी जो है उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, तो वो ऋण तो कहीं ना कहीं राजस्व को ही घाटा होगा। तो इन सभी पे हम अलग अलग करके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। राज्य का खाली खजाना, इसको मैंने बताया दिया पूरा खाली हो गया था। साम्राज्य का विघटन, मतलब कि इसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे टूटने लगा, जो MBT ने साम्राज्य अपना बनाया था वो क्या हुआ, सभी लोग अपना स्वतंत्र होने लगे और इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी इतने समस्याएं थी कि वो इनसे जूझे कि इसको देखे, ठीक है, या तो इसी को देख ले या इन सबको जो है क्या करे, निपटा ले। तो उनमें से कोई एक काम करना था, तो इसने क्या किया, इसे डिसअपॉइंट कर दिया कि भैया हम इसे जो साम्राज्य हमारा जा रहा है, जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जाने दो, मगर मेरे जो अंदर है कम से कम वो लोग सुखी से रहे उसके लिए काम करें। ठीक है, उस पर ये शुरू किया था काम करना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और एक एक को देख लेते हैं कि किसानों के विद्रोह को कैसे ये शांत करता है, जो किसान के बीच में असंतोष था वो कैसे करता है। तो किसानों में जो MBT ने कर्ज दिया था, तो किसान सोच रहे थे भाई कर्ज दिया है तो फ्री में तो दिया नहीं, वो कहीं ना कहीं हमें वसूलेगा और पैदावार वैसी हुई नहीं। तो जब ये सल्तनत की गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक, तो ये क्या करता है, किसानों को कहता है भैया आपका कर्ज माफ, मतलब वही वाला हो गया कि मोदी के बाद जो है कौन सा कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, जब चुनाव आता है तो आपको कौन सा लड्डू दिया जाता है, कर्ज माफ का लड्डू सबसे बड़ा चलता है उस समय, कि जितने भी किसान भाई हैं अगर हम गद्दी पर आते हैं तो उनके क्या है कर्ज क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। यही यूपी में हुआ था कि वो जब चुनाव हुआ तो आपके बोला गया कि कर्ज माफ हो जाएगा, और जब माफ करने की बारी आई तो उसमें क्या लगा दिया गया, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम हो चाहे 1 हेक्टेयर से कम हो इनको सिर्फ माफ मिलेगा किसान, और वो भी कौन से जो 1 साल से पहले इधर भर दिए गए हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक, जो निर्णय कला लिए होंगे। तो डिपेंड करता है कि उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं। तो इसने पहले क्या किया, बोला इसने अपने महालेखाकार से कि भैया तुम लोग जितना है उसका रजिस्टर है, जो किसानों को ऋण दिया गया उसे निकालो और उसे फाड़ फूड़ के जला दो, ठीक है, क्योंकि उनका कर्ज जो है माफ किया जाता है। ठीक, तो वो जो उनके समय में एक तरह से महालेखाकार जो बोल सकते हो वो कौन था, मुशरिफ ए मुमालिक, ये पोस्ट थी जिसे महालेखाकार कहा जाता था। ठीक है, और उस समय कौन इसे संभाल रहा था, फक्र सदी संभाल रहा था। कौन संभाल रहा था, फक्र सदी। ठीक, तो इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद से इसने क्या किया कि जो दंड थे काफी कठोर कठोर दंड थे उसे थोड़ा कम कर दिया। राजद्रोह भी कोई करता था, जैसे मैंने बताया था ना ख्वाजा जहां, ये वही व्यक्ति था, MBT का खासदार था। इसी ने क्या किया, जब वो सिंध पे उसका राज अभिषेक हुआ था तो इसने दिल्ली में किसी एक लड़के को लेकर क्या कहा कि ये MBT का पुत्र है, इसे सुल्तान घोषित कर दिया। तो इसके इस वजह से मतलब एक तरह से राजद्रोह हुआ उसे माफ कर देता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसने जो है क्षमा जो है लोगों को करने का वो निकाल लिया कि भैया ज्यादा इनको सजा देना होना नहीं है, उस पर यह काम करता था। इसलिए किसानों का तो एक विद्रोह वहां से शांत हो गया कि भैया उनका कर्ज माफ हो गया, उसी में वो खुश हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट है अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग को कैसे ये उनकी जो समस्या थी उसको कैसे समाधान करता है। तो उसके लिए क्या करता है, जैसे अमीर वर्ग थे उनके लिए क्या था कि अमीर वर्ग क्या चाहते थे कि जो वंशानुगत पोस्ट था वो फिर से हो जाए, तो इसने वही किया। ये क्या किया, जो भी आपके सैनिक पोस्ट थे या
आपके ऑफिसियर पोस्ट हैं उनको क्या किया, वंशानुगत कर दिया फिर से, कि अगर कोई पोस्ट पे जिनके पापा हैं अगर नहीं है तो उनका बेटा होगा, फिर बाद में उसके बाद से उसका दामाद होगा, उसका गुलाम होगा, ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इससे ये लोग भी खुश हो गए। और इससे एक चीज ये हुई कि क्या हुआ, जो सैनिक में अगर ऐसा होने लगेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो एक तरह से बोला जाए टैलेंट की, अगर उसके वो अगर कोई व्यक्ति है पता चले यहां से लेके वहां तक दौड़ ही ना पाए और उसे सेना में भर्ती कर लो तो क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है। तो यही होने लगा, सेना कमजोर होने लगी। जब सेना कमजोर होगी तो भैया इनके एक एक राज्य क्या हो जाएंगे, इनके हाथ से छूटते चले जाएंगे इनके प्रांत। तो वही हुआ इनके शासनकाल में। ठीक, उसके बाद से उलेमा वर्ग को कैसे इसने खुश किया, उलेमा वर्ग को इसने क्या किया कि इसने पूरा तो पहले शरीयत कानून लागू कर दिया, शरीयत के हिसाब से ही पूरा जो भी हमारा राज्य व्यवस्था चलेगा वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, उससे तो खुश हुए ही। साथ ही साथ उलेमा वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उन्हें दे दिया गया कि भैया आप लोग न्याय के में बोल सकते हो, न्याय जब होता है किसी के प्रति तो उसमें आप अपने हिसाब से बता सकते हो। साथ ही साथ इनके लिए मदरसों का, मस्जिदों का निर्माण कराया। तो भाई ये लोग धर्म गुरु थे वो भी इस्लाम से, तो इस्लाम से रिलेटेड जितने काम होंगे उससे खुश रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही इसने क्या किया, काफी मात्रा में अगर बोला जाए सबसे ज्यादा मात्रा में धर्म परिवर्तन कराया। फिरोज शाह तुगलक था तो हिंदू मगर सबसे ज्यादा जो है कट्टर बन गया ये, ठीक है, किसको खुश करने के चक्कर में, उलेमाओं को खुश करने के चक्कर में सबसे कट्टर ये आपका शासक बन गया। कट्टरों में शासक में नाम लिया जाता है मेन, तो इसका नाम आता है, अलाउद्दीन का नाम आता है और औरंगजेब का नाम आता है, जो हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म किए। ठीक, इसने क्या किया कि हिंदुओं को जो पोस्ट मिलती थी उन्हें हटाना शुरू कर दिया, उनको सीमित कर दिया उनके जो अधिकार थे। इसने एक हिंदू को यहां तक कहा जाता है कि जिंदा जलवा दिया, क्यों, क्योंकि वो हिंदुओं की प्रशंसा कर रहा था, इसके वजह से क्या किया उसे जिंदा जलवा दिया। इन सभी चीजों को देखकर उलेमा वर्ग इससे काफी प्रसन्न हुए, कहें कि भैया जो जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही है। ठीक, इसने क्या किया कि जो आपके उलेमा वर्ग के लोग थे उनमें जो महिलाएं थी, महिलाओं को जो मदरसे में जाना, मकबरे में जाना वहां मना कर दिया, मस्जिद में जाने के लिए मना कर दिया कि वहां मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, पर्दा सिस्टम लागू कर दिया। ठीक है, उन्हें एक सीमित अधिकार तक ही रहना है, घर के अंदर ही रहना है, ये सब कर दिया, तो जिससे उलेमा वर्ग काफी इससे खुश रहा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का क्या है इसका रोल, तीसरा जो है इसका कौन सा था जिसे इसने सॉल्व किया, कौन सी समस्या थे, राज्य का खाली खजाना। राज्य का खाली खजाना कैसे भाई इसे खजाना कहां से मिलेगा, इसने ये दिमाग लगाया कि जो भी बंजर भूमि पड़ी थी उस बंजर भूमि पर विकास के लिए इसने बल दिया। और इसने कहा कि भैया इसीलिए इसने क्या किया, नहर का निर्माण कराया, एक तरह से बोल सकते हैं नेटवर्क बनाया नहरों का कि जो बंजर भूमि है उन पे भी खेती की जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा उपज किया जाए ताकि हमारे राजस्व में पैसा आ सके। ठीक है, तो इसके लिए इसने नहरें बनवाई, वो नहरें कुछ प्रमुख प्रमुख हैं, जिसमें से कौन सी नहर है, उलुखानी नहर और राजवाही नहर सबसे प्रमुख है। अगर ये पूछता है उलुखानी नहर और राजवाही नहर, ये प्रमुख नहरें हैं जो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में सिंचाई का काम करती थी उस समय। कुछ पांच इसके प्रमुख नहरें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सी है। इसका जो डिटेल हमें कहां से मिला था, एक याहिया सरहिंद की किताब से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, उनकी किताब से ये पता चलता है कि इन्होंने नहरों का क्या नेटवर्क जो है बनाया था। ठीक, तो वो कौन कौन सी नहर है इसे देख लो। पहली नहर जो थी यमुना नदी से हिसार तक हरियाणा तक गई थी 150 मील दूर, उसी को क्या कहा गया था, उलुखानी नहर कहा गया था। दूसरी नहर थी सतलज से आपकी हिमाचल प्रदेश से निकली और कहां तक गई ये आपकी 96 मीटर लंबी ये नहर रही, जो इसे राजवाही नहर कहा गया। ये सब कहां के सिंचाई करती थी, दिल्ली और हरियाणा के जितने क्षेत्र थे वो इसी दोनों नहरों से कवर होते थे। अगली जो नहर है वो कौन सी है, तीसरी नहर सिरमौर, ये कहां पड़ता है भाई, सिरमौर से हिमाचल में पड़ता है, ये एक जगह है। ठीक है, तीसरी नहर वहां से निकली थी पहाड़ी से और हांसी कहां पड़ता है, हरियाणा तक कवर करती थी। और आपकी जो चौथी नहर है ये घग्गर नदी से निकली थी और फिरोजाबाद तक जाती थी। और पांचवी थी ये यमुना से लेके फिरोजाबाद तक के जो जगह थे इसे कवर किया जाता था इसके अंतर्गत। उसके बाद से आ जाते हैं कि भैया कृषि पे तो ध्यान दे लिया कि जहां से उपज होगी तो भाई जाहिर सी बात है खजाना उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भाई उपज होगा तो उसे क्या करेगा,
निर्यात करेगा तो पैसा आएगा, तो वहां से खजाना बढ़ना ही था। साथ ही साथ इसने क्या किया, 1200 बगीचे बनवाए लगवाए एक तरह से कह सकते हो, और इस बगीचे पर भी एक टैक्स लेता था, ठीक है, कि अगर उस बगीचे से कोई भी चीजें जा रही हैं, तोड़ा जा रहा है, उसका जो है आपका क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा। तो ये इससे पैसा भी आने लगा। प्लस इसने और क्या किया, इसने 36 प्रकार के कारखाने जो हैं दिल्ली में स्थापित किए, अपने राज्य में स्थापित किए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार सल्तनत काल में कारखाना जो है किसने स्थापित किया था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट समस्या क्या थी भाई, उसकी लास्ट समस्या थी जो साम्राज्य इसका जो है टूट रहा था, उसे कैसे संभाले। तो इसे संभाला नहीं, जितना था उतने पे ही इसने शुरू कर दिया। कुछ कहा जाता है कि कुछ आक्रमण जब हुए थे, जो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे, उसने दबाने की कोशिश किया था, ऐसा नहीं था एकदम निठल्ला था, ठीक है। जैसे बंगाल का जो विद्रोह हुआ था, कहा जाता है कि 4 बार इसने टोटल जो विद्रोह हुआ था, वो भी बंगाल पर, उस विद्रोह को 4 बार विद्रोह हुआ, 4 ही बार इसने दबाने की कोशिश किया, उसके बाद से जो है ठप पड़ गया कि भैया जो जैसा कर रहा है करने दो, हम जो है इसी जो जितना बचा है उसी पे हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हुआ, 2 बार तो बंगाल में ही हुआ, पहला बार जो हुआ 1353 में हुआ, 1353 में जो ये इलियास शाह था, इसने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र घोषित करने के लिए सोचा बंगाल को। तो फिरोज शाह तुगलक अपनी सेना लेकर जाता है, और वहां पे जैसे जाता है तो इलियास शाह जाके एक किले में क्या हो जाता है, छुप जाता है। उस किले का नाम क्या होता है, उस किले का नाम होता है इकदला, इकदला किला रहता है, उसी में जाके छिप जाता है। और जब छिप जाता है तो इसने फिरोज शाह तुगलक वहां से उसे बंगाल को दिल्ली सल्तनत मतलब अपने अधीन नहीं करता है, छोड़ के चला आता है। भैया चलो वह हार मान गया तो ठीक है, हार मान ही गया, तभी तो छिप गया, आया नहीं, वो शांत कर दिया, फिर चला आता है दिल्ली। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि 1359 में उसी का पुत्र, किसका, इलियास शाह का पुत्र सिकंदर शाह फिर से विद्रोह कर देता है। तो इस विद्रोह को जो है फिर से दबाने के लिए कौन, फिरोज शाह तुगलक बंगाल जाता है। फिर इनके बीच में एक संधि होती है, और अभी भी जैसे एक तरह से कहा जाए फिरोज शाह तुगलक दिल्ली बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। साम्राज्य में मिलाने का मतलब ये कि सिकंदर शाह को मार गिराए और वहां पे अपना कोई सरदार नियुक्त कर दे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ऐसा उसने नहीं किया। इसी से संधि कर लिया, कहा भैया ठीक है जैसे तुम्हें कामकाज करना हो करो, ठीक है, तो उसे भी कर दिया। तो ये भी क्या किया था, अपने बाप की तरह उसी किले में जाके छिप गया था जब फिरोज शाह आया था इससे भिड़ने। तो ठीक, तो कहा जाता है कि जब ये बंगाल से दूसरा अभियान करके लौट रहा था, उसी समय गोमती नदी के किनारे जौनपुर नामक जो जगह है, सिटी है, इसी ने स्थापित किया था, ठीक। और उसी समय जब यह वापस हो रहा था बंगाल से, तो उसी समय उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों को इसने लूट लिया था। आ जाते हैं, लूटा क्यों भाई, लूटेगा तभी तो खजाना बढ़ेगा इसका, इसके राजस्व का, इसीलिए लूटते थे लोग। अब देखते हैं इसके तीसरे अभियान का, 2 अभियान तो इसने बंगाल पे किया था, तीसरे अभियान के बारे में देख लेते हैं। यह 1360 से 1361 के बीच में बोला जाता हुआ था, कहां हुआ था, नगरकोट जो इस समय आपका नेपाल में है, पहले ही आपका इंडिया में ही पड़ता था, हिमाचल प्रदेश के जस्ट आगे जो आपका काठमांडू तक साइड साइड में जब जाओगे तो ये नगरकोट पड़ेगा। यहां पे आक्रमण किया, काफी लूटा उठा, उसके बाद से इसने सीधे कहां चला आया, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, यहां से काफी मात्रा में इसे धन दौलत प्राप्त हुआ। उसके बाद से कुछ इसे ग्रंथ प्राप्त हुए, उसे क्या किया, इसे संस्कृत में जो लिखे थे उसे फारसी में अनुवाद करा लिया, ठीक। उसके बाद से इसने सिंध पर आक्रमण किया, लास्ट इसका जो चौथा आक्रमण था किस पे था, सिंध पर आक्रमण किया, जहां के राजा कौन थे, जाम बबनिया, कौन थे, जाम बबनिया, उस पर आक्रमण करता है 1362 में। और जब ये अपनी सेना लेके जाता है तो कहा जाता है कि ये अपना रास्ता भटक गया था। जब रास्ता भटक जाता है तो इसी का एक वजीर रहता है खाने जहां मकबूल, ये उसकी सहायता करता है कि कहां तक मतलब सिंध में कैसे जाना है आपको। और सिंध के शासक को नाम मात्र की एक तरह से कहा जाए सिपाधीनता स्वीकार कराई थी उसने, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं किया था कि भैया हमारा वो, उसने कह दे ठीक है भैया, ठीक है हम आपके अधीन है, हम करेंगे, मतलब कोई उससे ज्यादा शर्तें नहीं रखी कि भैया आप हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे इतना पैसा देना, इतना ही देना है, नहीं दोगे तो हटा देंगे, ठीक है, फोर्सफुली कुछ ऐसा नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा इसके निर्माण कार्य को देख लेते हैं, आर्किटेक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो यहां से प्रश्न आपसे पूछता है।
तो निर्माण काल में देख लें इसने क्या किया था, एक विभाग बनाया था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का जो विभाग था इसका मेन काम यह था कि जो कोई भी अगर सिटी बनना हो, कोई भी इमारत बननी हो, कुछ भी नया निर्माण कार्य होना है तो वो किसके अंतर्गत होगा, इसी विभाग के अंतर्गत होगा। पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, इस विभाग के अध्यक्ष से आपको वो कागज पेश करना पड़ेगा, फिर ये विभाग का अध्यक्ष जो है सुल्तान से साइन लेकर आएगा कि भैया ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनके मकबरे बने, फला के बने, इस टाइप के जो भी होगा निर्माण कार्य वो इसी जो विभाग के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो इसके इसने एक विभाग बना दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि मैंने बताया भी था जब आपको क्या पढ़ा रहा था मैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब पढ़ा रहा था कि जब उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया तो इल्तुतमिश ने उसे फिनिश किया और उसमें जो एक तरह से पांचवी मंजिल का जो निर्माण कराया था कुतुब मीनार में तो वो कौन कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार में पांचवें मंजिल का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसी ने इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित नासिरिया मदरसा, हौज ए शमसी मदरसा जो था उसकी मरम्मत कराई और साथ ही साथ अलाउद्दीन के समय में बनाई गई हौज खास, ठीक है, उसकी भी क्या कराया, मरम्मत कराया। तो जितना भी एक तरह से बोल सकते हो मरम्मत कराने का काम ये इसी ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसने कुछ नगरों के निर्माण कराए, काफी नगरों के निर्माण कराए थे, मगर कुछ प्रमुख नगर हैं उनके बारे में बता दे रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से थे भैया, फिरोजपुर था, फतेहाबाद था, फिरोजाबाद था, हिसार हरियाणा में जो पड़ता है आपका, ये जौनपुर जो मैंने बताया कि बंगाल का जब ये दूसरा अभियान करके वापस आ रहा था उसी समय ये जो है आपका गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये आपका जौनपुर हो गया। उसी के बाद कुछ इतिहासकार जो कहते हैं कि कितने इसने निर्माण कार्य किए थे देख लो वो है क्या क्या है, फरिश्ता के हिसाब से इसने टोटल 200 नगरों का, 20 महलों का, 30 पाठशालों का, 40 मस्जिदों का, 100 अस्पताल, 100 स्नान गृह, 150 पुल, 5 मकबरों का निर्माण जो है इसने कराया था। उसमें से मैंने कुछ जो है आपके फेमस फेमस चीजें ले लिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कोटला फिरोजशाह कोटला जो है फोर्ट है आपका, कौन निर्माण कराया था उसका, इसी ने कराया था, फिरोजशाह तुगलक ने ही कराया था, ये याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, कुश के शिकार क्या था, ये मुख्यतः शिकार के लिए बनवाया गया भवन था, ठीक है, क्या था, ये शिकार कराने के लिए बनाया गया भवन था। इसी के जो है आगे सामने कहा जाए एक तरह से, इस भवन के सामने अशोक का दूसरा स्तंभ, ठीक है, अशोक का जो दो स्तंभ इसी ने ले आके दिल्ली में जो है गड़वाया था वो कौन सा, इसी का दूसरा जो स्तंभ था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है गाड़ा गया है, ठीक। उसके बाद से फिरोज शाह का मकबरा ये खुद का अपना मकबरा जो है वर्गकार क्षेत्र में इसी ने बनवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, चौथा पॉइंट याद कर लेना है, यहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था तो इसके पुत्र ने बनवाया था, मगर किसके शासन काल में बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में बनवाया था। ये इन्हीं के शासन काल में इनके जो है ऑफिसियर रहते हैं और इनका जो मकबरा बना है कहा जाए, क्यों ये फेमस है, क्योंकि ये पहली ऐसा मकबरा है जो अष्टकोणी पद्धति पे बना है, एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्टोगोनल फॉर्म में बना हुआ है। इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा पहला मकबरा है जो अष्टकोणी जो पद्धति पे बना हुआ है, तो किसका, वो खाने जहां तेलंगाने का मकबरा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और किसका भाई, खिड़की मस्जिद इसने बनवाया था, तो खिड़की जो है मस्जिद का निर्माण कराया था, काली मस्जिद का निर्माण कराया था और कलम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये जगह दिया मस्जिद शाहजहानाबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं, फतेह खां का मकबरा, फतेह खां कौन था भैया, फतेह खां इसी का पुत्र था, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है इसका जो है मकबरा बनवा देता है दिल्ली में और इसका नाम लग देता है उसके, इस मकबरे को एक नाम से और जाना जाता है, याद कर लेना अगर क्वेश्चन पूछता है, दरगाह कदम शरीफ, ठीक है, किसके मकबरे को कहा जाता है, तो फतेह खां के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दरगाह कदम शरीफ कहा जाता है।
ठीक है, अशोक के दोस्त था, मैंने कहा इसने फिरोज शाह ने दिल्ली में लाया था, कौन कौन सा था, एक खिजाबाद का स्तंभ था और मेरठ का जो स्तंभ था लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था। ठीक है, मेरठ में जो था और खिजाबाद में दोनों स्तंभ लाके इसने कहाँ स्थापित किया था, दिल्ली में स्थापित किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसने क्या किया था जो इसके शासनकाल में इसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दिया था कि दास जो है यहां से निर्यात नहीं किए जाएंगे। इस वजह से यहाँ जो इसके शासनकाल में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसने दास बनाने पे ज्यादा जोर दिया था कि लोग अपने दास ज्यादा जैसे मात्रा में रखें, तो इसीलिए कहा जाता है लगभग 1,80,000 जो है दास थे फिरोज शाह के टाइम में। तो भैया इतने दास होंगे तो इनके देखभाल के लिए एक क्या किया गया, विभाग तय किया गया, एक विभाग बनाया गया, उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान। क्या नाम था? दीवाने बंदगान उस विभाग का नाम था, जिसके अंतर्गत इनके कंट्रोल, इनके जो जो खर्चे हैं वो कैसे होंगे, इनको कैसे कहाँ कहाँ नियुक्ति की जाएगी, वो सब कौन सा देखता था विभाग, दीवाने बंदगा जो है देखता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ मुस्लिमों के लिए किए गए जन कल्याण, हिंदुओं के लिए नहीं भाई साहब, मुस्लिमों के लिए किए गए जन कल्याण के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से थे? इसने सबसे पहले मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे इसने दीवाने खैरात नामक एक विभाग बनाया। इसमें क्या किया जाता था, जो गरीब मुसलमान होते थे, जो जिन्हें एकदम गरीब होते थे, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था कि वो अपनी बेटियों का विवाह, अपने बेटों का विवाह करा सके। ठीक है, उसके बाद से क्या था, दीवाने इस्तिहाक क्या था, यह विभाग ऐसा था जिसे पेंशन विभाग भी कहते हैं। यह विभाग असहाय अनाथ मुसलमानों को पेंशन देता था, जिनका कोई नहीं होता था। ठीक है, जो बुजुर्ग होते थे, जिनका कोई भी उत्तराधिकारी एक तरह से कह सकते हो कोई नहीं है उनकी सहायता करने वाला, उनके लिए ये पेंशन देता था। जैसे आज भी वृद्धा पेंशन आता है जिनके पास, जिनकी सहायता कोई नहीं करता है, तो उसी हिसाब से यह भी था। उसके बाद से आ जाते हैं, रोजगार दफ्तर एक विभाग बनाया था। इसके तहत क्या हुआ था, जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, मुस्लिम लोगों के जो उनको रोजगार दिलाना, इसका क्या क्या काम था। उसके बाद से कौन सा था, दारुल सफा। दारुल सफा क्या था, खैराती अस्पताल। ठीक है, खैराती अस्पताल मतलब खैरात, मतलब क्या होता है, खैरात बांटना। लोग कहते हैं ना हम खैरात बांट रहे हैं क्या, कि चले आए हम उठा के, मतलब खैरात मतलब क्या, फ्री में दे रहे हैं क्या, ऐसा जो होता है कहावत होता है, तो यही है खैरात मतलब होता है फ्री में सेवा करना। तो इसमें मुस्लिमों का जो है मुफ्त इलाज किया जाता है, एक हॉस्पिटल था जिसमें मुस्लिमों का मुफ्त इलाज किया जाता, मुफ्त दवाएं दी जाती थी। ठीक है, कुछ इतिहासकार के कहना यह है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो सल्तनत काल का क्या था, अकबर था। ठीक है, अकबर ने भी जनहित के लिए काम किया था, मगर अकबर सभी को, सभी जनहित, सभी लोगों के लेके जनहित में कार्य किया था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर ये जो जनहित में काम किया ये सिर्फ मुसलमानों के लिए जनहित में काम किया था। ठीक है, इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे सल्तनत का अकबर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये सब जानकारी जो थी जितनी फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहां से मिलती भाई, इसकी खुद की एक आत्मकथा है, खुद ने लिखी है। क्या नाम है इसका, फुतुहत ए फिरोज शाही। ठीक है, अब बनने की तारीखें फिरोज शाही, उसके द्वारा इन सब चीजों की घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं इनके मृत्यु के बारे में, अंतिम यात्रा के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि भैया ये 1388 में जो होता है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन हो जाता है। ठीक, उसका पोता एक तरह से कह सकते हो कौन, तुगलक शाह गैसुद्दीन द्वितीय, अपने जो गैसुद्दीन था उसके नाम से इसका जो पोता है कौन, तुगलक शाह गैसुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बनता है, जिसके पश्चात अनेक कमजोर शासक हुए जो क्रम अनुसार इस है, मतलब उसका भी कोई खासा रोल नहीं हुआ। जैसे कुछ शासक बने उनके नाम देख लो कौन था, अबू बकर था, मोहम्मद शाह था, हुमायूं था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह था, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद था। इसके बारे में थोड़ी सी जिक्र होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसी के समय में किसका आक्रमण हुआ था, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, बाकी सब निकम्मे थे। ठीक है, तो यही आपका अंतिम शासक बनता है तुगलक वंश का, और क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना नसीरुद्दीन महमूद था।
नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 में मैंने बताया तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है और काफी लूटपाट करता है, और इसके डर से नसीरुद्दीन महमूद जो होता है कहाँ भाग जाता है भैया, ये गुजरात भाग जाता है। ठीक है, और तैमूर लंग यहाँ से लूट लाट के ले जाता है और अपने एक अधिकारी को पंजाब में छोड़ जाता है जिसका नाम रहता है ख्रिज खा। ठीक है, ख्रिज खा को छोड़ जाता है। उसके बाद से आपके जो जैसे ही भाई तुगलक वंश का कोई मेन शासक तो बचा नहीं, वो भी आपका कहाँ भाग गया था, गुजरात में भाग गया था। तो हर जगह क्या होता था, दिल्ली से अब लोग अपने आप को सल्तनत के से फ्री होना सोचने लगे, तो सभी लोग विद्रोह करने लगे, सब लोग अपने राज्य को क्या स्वतंत्र घोषित करने में लग गए। जैसे क्रम है देख लीजिए, 1389 में मलिक उल सर्क जौनपुर का विद्रोह हुआ, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1401 में दिलावर खां सूरी मालवा का विद्रोह किया और ये भी स्वतंत्र घोषित हो गया। 1407 में जाफर खां मुजफ्फर शाह जिसको कहा भी जाता है, इसने गुजरात पर विद्रोह किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और 1413 में संयोगवश क्या हो जाता है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और जैसे इसकी मृत्यु होती है, जो वो पंजाब में ख्रिज खां था, वो ख्रिज खान क्या करता है, कुछ महीनों तक एक जो सेनापति था दौलत खान नामक अफगान था, वो दिल्ली पर शासक करता है। फिर इसे मारकर कौन, ख्रिज खां जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। 1413 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। फिर एक अफगान शासक जो होता है कौन, दौलत खां, कुछ दिनों तक शासक करता है। फिर जैसे ही देखता है कि क्या है, आपकी स्थिति अनुकूल हो जाती है, तो ख्रिज क्या करता है, पंजाब से सेना लेकर आता है और दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है और वहां से उसको दौलत खां को मार देता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो हम अगले सेशन में आपको सैयद वंश के बारे में जिक्र करेंगे। सैयद वंश में ज्यादा नहीं है, 4-5 लोग हैं, उनको एक ही सेशन में निपटा देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आके अगले आपके जो वंश आता है लोधी वंश, वहां से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा।